द सिक्लिकल बिहेवियर ऑफ इकनॉमिक वेरिएबल्स डायरेक्शन एंड टाइमिंग डियर स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने जब बिजनस साइकिल्स को स्टार्ट किया तो उसमें एक चीज़ नोट की कि अमेरिकन इकोनमी में जो बिजनस साइकिल्स आए वो हर बिजनस साइकिल दूसरे से मुख्तलफ था एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वानिटेट अनिलिसिस दो चीज़ें हमने देखी थी कि स्पेसिंग के केतबार से यानी एक रिसेशन के बाद दूसरा रिसेशन बाज़ का जस्ट एक साल के बाद आ गया और बाज तो उससे दस साल का यह गैप आ गया और इसी तरह से एक बिजनेस साइकिल में जो जीडीपी में आउटपुट में जो कमी आई है वो कमी दूसरे बिजनेस साइकिल में जितनी कमी आई है क्वांटिटेटिवली वो भी हमने देखा कि उसमें भी बहुत आ, बहुत डिफरेंस था समटाइम्स uh, हमने देखा मिनिमम वैल्यू उसकी पॉइंट थ्री परसेंट थी और मैक्मम मोर देन फोर परसेंट थी तो इस एतबार से हर बिजनस साइकिल दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन क्वालिटेटिव हवाले से अगर हम देखें कि मुख्तफ वेरिएबल्स बिजनस साइकिल के, के दरमियान जब मूव करते हैं तो क्वालिटेटिवली उन बहुत सारी चीज़ें कामन है आज हम उस पर बात करेंगे और इनमें ये जो हम आज कामन फीचर्स क्वालिटेटिव बिहेवियर के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे ये जो कॉमन फीचर्स हमने इस्टेब्लिश हुए हैं हम आज डिस्कस करेंगे इनकी आल दो कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है लेकिन ये हमने एम्परिकली इसको हमने इस तरह से ऑब्जर्व किया है इनका फ़ायदा क्या है कि ये जो क्वालिटेटिव बिहेवियर है को मूवमेंट्स ऑफ द एक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स ये बहुत यूजफुल हैं टू इंटरप्रेट द इकनॉमिक डाटा एंड टू इवेलुएट द स्टेट ऑफ द इकानमी इनकी मदद मतलब से हम देख सकते हैं कि कोई इकॉनॉमी किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में वो किस स्टेट में है और सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कॉमन फीचर्स हैं मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स के ये मैक्रो इकोनॉमिस्टों के लिए बहुत अट्रेक्टिव है और बहुत चैलेंजिंग भी है ठीक है इनकी मदद मतलब से उन्हें कुछ गाइडेंस मिलती है कि वो किस तरह से इकनॉमिक थ्योरीज़ इन बिज़नेस साइकिल के हवाले से डेवलप करें और इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा ये भी है कि किसी भी थ्योरी को जब हम इवेलुएट करेंगे बिज़नेस साइकिल के मतलब हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासिकल थ्योरी के थ्योरी उसको जब हम इवेलुएट करेंगे तो हम इसी बेसिस पर इवेलुएट करते हैं कि कोई थ्योरी कितने बेहतर तौर पर इन जो कॉमन फ़ीचर्स को वो कैप्चर करती है और इसको वो एक्सप्लेन करती है ओके okay. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो कॉमन फीचर्स पर आज हम बात करेंगे वो नंबर एक है डायरेक्शन और सेकंड है टाइमिंग डायरेक्शन से मुराद हमारी ये है कि कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जब मूव करता है बिजनेस साइकिल में तो उसकी डायरेक्शन और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की डायरेक्शन में क्या रिलेशनशिप है ओके okay? क्या ऑबियसली इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिस डायरेक्शन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक एक्टिविटी मूव कर रही है फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन हो रही है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक एक्टिविटी में तो क्या उस एक्सपेंशन के दौरान वो पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में भी इजाफा हो रहा है और इसी तरह अगर कंट्रैक्शन हो रही है तो उस कंट्रैक्शन में उसमें कमी हो रही है अगर ये सूरत हाल है तो इसे हम कहेंगे प्रोसिकलिकल कि वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल प्रोसिक्लिकल है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव कर रही दूसरा केस क्या बनता है काउंटर सिक्लिकल तो इससे मुराद क्या होगा कि एक्सपेंशन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ रही है लेकिन अगर कोई माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल उसमें कम हो रहा है तो ये बिहेवियर फिर काउंटर सिक्लिकल हो जाएगा और इसी तरह एक्सपेंशन में वो उसमें कमी वाकई हो रही है और कंट्रेक्शन में उसमें इजाफा हो रहा है तो दिस इज़ सेकेंड टाइप काउंटर सिक्लिकल और थर्ड नेचुरल फिर टाइप क्या बनती है ए सिक्लिकल इसमें यह है कि उस उस मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है यानी कभी एक्सपेंशन में उसमें इजाफा हो जाता है कभी कमी हो जाती है और इसी तरह कॉन्ट्रेक्शन में तो ऐसे फिर थर्ड कैटेगरी बन जाएगी ए सिक्लिकल मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स ये डायरेक्शन के हवाले से तीन बातें हमने की कि कोई वेरिएबल प्रोसिक्लिकल हो सकता है इससे मुराद है कि जिस डायरेक्शन में एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी जा रही है उसी डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल भी जा रहा है काउंटर सिक्लिकल में वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एसिक्लिकल में वो कोई क्लियर पैटर्न नहीं रखता सेकंड जो फीचर कामन फीचर पर हम बात करेंगे इट इज़ टाइमिंग टाइमिंग से मुराद ये है कोई पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की जो मूवमेंट है वो टाइमिंग के अतबार से एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है इससे मुराद ये है कि एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी जब अपने पीक पर है तो क्या वो पर्टिकुलर मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल उसकी जो पीक पीक या ट्रफ हमने देखा था ये टर्निंग पॉइंट्स हैं तो क्या उस पर्टिकुलर मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल के टर्निंग पॉइंट्स और एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट्स इन दोनों की टाइमिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है इसमें भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है जिसको हम लीडिंग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल उसका टर्निंग पॉइंट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट से पहले आ जाते है यानी वो लीड करता है उसको वो पहले पीक पर पहुंचेगा और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बाद अपने पीक पर पहुंचेगी और इसी तरह वो पहले ट्रफ़ पर आएगा और दूसरी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बाद आएगी सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स सेकेंड कैटेगरी क्या है कोइंसिडेंट इससे मुराद ये कि वो पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के टर्निंग पॉइंट्स और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट्स दोनों एट द सेम टाइम हो रहे हैं जिस वक्त यानी दोनों के पीक्स और दोनों के टफ्स को इंसीडेंट है एट द सेम टाइम अकर हो रहे हैं कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी बनती है लैगिंग लैगिंग में ओबियसली इसका मतलब क्या बनेगा कि वो जो पर्टिकुलर इकनॉमिक वेरिएबल है वो उसके टर्निंग पॉइंट्स एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट्स के बाद में आते हैं यानी इकोनॉमी पहले पीक पर पहुंचती है और वो पर्टिकुलर वेरिएबल उसके बाद उसकी पीक आती है और इसी तरह उसके बाद उसका ट्रफ़ होता है सो so, एक एग्जांपल हम के अभी हमने देखा पर्ोसिक्लिकल से मुराद क्या था कि जिस डायरेक्शन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल भी मूव कर रहे हैं अब वेरिएबल तो प्रोसिक्लिकल है यानी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन उसकी टाइमिंग के एतबार से वो प्रोसिक्लिकल वेरिएबल को इंसिडेंट भी हो सकता है राइट right? के दोनों के टर्निंग पॉइंट एट द सेम टाइम हो इसमें जो एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंजम्पशन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट ये वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो प्रो हैं और को हैं यानी एग्रीगेट इकनॉमिक इसकी डायरेक्शन वही है जो एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी की डायरेक्शन है और इनकी टाइमिंग भी टर्निंग पॉइंट्स की वही है जो एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी की टाइमिंग है और कुछ वेरिएबल्स प्रो हैं लेकिन इसके साथ वो लीडिंग है यानी उनके टर्निंग पॉइंट्स एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी के टर्निंग पॉइंट से पहले आते हैं राइट इसमें क्या चीज़ें कौन से वेरिएबल हैं रेजिडेंशल इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी मनी ग्रोथ स्टॉक प्राइस वगैरह ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं तो इन इन वेरिएबल्स की मदद से टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक प्राइस हैं ठीक है ये लीडिंग वेरिएबल है तो ये बाजू हमें हेल्प करते हैं ये सेंस करने के लिए क्या फ्यूचर में इकनॉमिक एक्टिविटी में क्या चेंजेज़ आएंगी क्या हम एक्सपेंशन की तरफ जाएँगे या हम कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि ये उस लीडिंग है नहीं उससे पहले ये उससे पहले बढ़ना शुरू हो जाता है और उससे पहले ये कम होना शुरू हो जाता है और लैगिंग वेरिएबल्स में यानी जिनके टर्निंग पॉइंट्स बाद में आते हैं इन इनमें इनकी एग्जाम्पल हैं इन्फ्लेशन नामिनल इंटरेस्ट रेट और इसी तरह कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं मैक्रो इकनॉमिक जिनकी टाइमिंग जो है वो डेजिग्नेटेड नहीं है इसमें आते हैं गवर्नमेंट परचेजेस एंड रियल इन्वेस्टमेंट तो हम इन पर फर्दर डिफरेंट माइक्रोक्रामिक वेरिएबल्स पर इन डायरेक्शन कामन फीचर्स के हवाले से नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे थैंक यू